नॉर्मल सिनेरियो में तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, बट जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि दो क्राइटेरियाज होते ना, एक तो मोस्ट अकरेंस और दूसरा हाईएस्ट डेंसिटी, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो जरूरी नहीं है कि आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले पे ही मॉडल क्लास में आए, यस और नो, ये तो क्लियर है ना, समझ आ गया? तो जरूरी नहीं है। तो अगर नहीं हुआ ऐसा, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो प्रीवियस क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उस केस में F1 - F0 नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सक्सीडिंग की ज्यादा हो तो भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 2F1 तो F1 खुद है, F0 कुछ वैल्यू, F2 ज्यादा अगर हो गई, कह रहे हो सकता है ना नेगेटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो कह रहे उस केस में फॉर्मूला डिफरेंट यूज करना, उस केस में फॉर्मूला डिफरेंट यूज करना। तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, बस इतना सा ध्यान देना है कि जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस वाला। कौन सा? मॉड्यूलस। ध्यान से देखना, F1 - F0 ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है आंसर कुछ भी आए, -2 आए या 2 आए, 2 ही लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, F1 - F0 और F1 - F2, तो 2F1 की जगह F1 - F0 अलग निकालो और F1 - F2 अलग निकालो, सबकी क्या लो? पॉजिटिव वैल्यू। सबकी क्या लो? पॉजिटिव वैल्यू। हाँ क्या ये, वो तो सेम चीज है, ये F1 - F0 मॉड्यूलस, मॉड्यूलस F1 - F0 मॉड्यूलस, F1 - F2 मॉड्यूलस। ये 2F1 ही है, ये 2F1 - F0 - F2 ही है, बट मॉड्यूलस वैल्यू कब लेनी है? अगर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास और द पोस्ट मॉडल क्लास इज हायर। एक ही बात हो गई ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है, या तो उससे पहले वाली थी या उससे आगे पीछे थी, कुछ भी थी वो नहीं थी, तो फिर कह रहे हैं या तो वो जीरो आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। अगर 2F1 है तो 2F1 जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कह रहे फिर मोड क्या करो, आप दूसरा फॉर्मूला यूज करो, आप दूसरा फॉर्मूला यूज करो। क्लियर? कोई भी डाउट? तो बस ध्यान क्या देना है, फॉर्मूला क्या है, L1 - F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I। मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी है बाय इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि कौन सा मेथड यूज करना है तो वही यूज करना है, अगर मेंशन नहीं है तो आपको फिर वो देखना है डेटा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो आप इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हैं, नहीं कर रहा तो ग्रुपिंग मेथड से ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, अगर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नहीं है तो मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला यूज होगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। अब मोड के भी क्वेश्चंस करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, डाउट्स ही डाउट्स।